दोस्तों केटीएम की सबसे पावरफुल और सबसे ब्रूटल बाइक थी केटीएम RC8। ये एक सुपर बाइक थी और इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था ये बोलकर कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो क्यों ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्यों इसको डिसकंटिन्यू किया गया, क्या था इसके पीछे का रीज़न, जानेंगे इसकी हिस्ट्री और डिसकंटिन्यू करने का रीज़न। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो KTM ने RC8 लॉन्च की थी 2008 में। इसका पूरा नाम था KTM RC8 1190R, जो इसका लास्ट वर्जन था। तो KTM RC8 का कॉन्सेप्ट 2005 में सुपर ड्यूक से आया था, जो 999 cc के V-twin इंजन के साथ आती थी। इसके इंजन डिस्प्लेसमेंट को 2008 में इंक्रीज किया गया और 2008 में RC8 1148cc V-twin इंजन के साथ आई, जिसको ऑस्ट्रियन मैन्युफैक्चरर्स ने डिज़ाइन किया था। ये ऑस्ट्रियन मैन्युफैक्चरर्स की फर्स्ट एवर सुपर बाइक डिज़ाइन थी। एक साल बाद 2009 में RC8R मॉडल लॉन्च किया गया, जो 1195cc टू सिलेंडर 4-स्ट्रोक ट्विन इंजन के साथ लॉन्च की गई। RC8 का लास्ट ईयर ऑफ प्रोडक्शन 2010 था। RC8R 2009 से 2013 तक यूज की गई, जो 1195cc V-twin इंजन के साथ ट्विन स्पार्क पर सिलेंडर टेक्नोलॉजी डिज़ाइन के साथ 2011 मॉडल में देखने को मिली, जो एक रेस सुपर स्पोर्ट बाइक थी। 2015 के बाद इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। डिज़ाइन, बात करें इसकी डिज़ाइन की, तो 2008 में आई RC8 में स्टील फ्रेम विद एल्युमिनियम सीट सब फ्रेम था। सस्पेंशन में हाई एंड इन्वर्टेड फॉर्क्स देखने को मिले और एक एलॉय का यूज़ किया गया था। इसमें डबल साइडेड स्विंग आर्म देखने को मिलता था। 2010 में आई RC8R में टाइटेनियम इनटेक वॉल्व और लो फ्रिक्शन डायमंड लाइक कार्बन ट्रीटमेंट इसके कैमशाफ्ट्स में देखने को मिलता था। इसमें एडजस्टेबल सस्पेंशन और बहुत सारे चेसिस एडजस्टमेंट्स देखने को मिलते थे। पावर फिगर्स और स्पेसिफिकेशन की बात करें और टॉप स्पीड की बात करें, तो RC8 में 1150cc लिक्विड कूल्ड V-twin इंजन देखने को मिलता था, जो 151 hp की पावर प्रोड्यूस करती थी। इसकी सीट हाइट 805 mm थी और फ्यूल टैंक की बात करें तो 16.5 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता था और इसका व्हील बेस था 1435 mm। RC8R की बात करें तो इसमें 1195cc का लिक्विड कूल्ड V-twin इंजन देखने को मिलता था, जो 173 bhp की पावर और 120 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता था। इसका फ्यूल टैंक 16.5 लीटर का था, सीट हाइट सेम थी 805 mm और इसका व्हील बेस RC8 से कम था, इसका व्हील बेस था 1425 mm। टॉप स्पीड की बात करें तो इसकी टॉप स्पीड थी 311 km/h। तो बात करेंगे कि इसको डिसकंटिन्यू क्यों किया गया। तो ये बाइक बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल और पावरफुल बाइक थी। ये बाइक इतनी ज़्यादा ब्रूटल थी कि सबको इसको कंट्रोल नहीं कर सकता था और यही इसका रीज़न दिया गया था डिसकंटिन्यू करने का। लेकिन और भी एक रीज़न था जो इसको बहुत ज़्यादा ब्रूटल बनाता था। ये बाइक एकदम रॉ बाइक थी, इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं देखने को मिलते थे, ना ही इसमें ABS था, जिसकी वजह से इसकी ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा ब्रूटल थी। इसको अच्छे से रोकने के लिए इंजन ब्रेकिंग यूज़ करना पड़ता था, जो सभी राइडर्स को नहीं आता था, जो बहुत ज़्यादा इस बाइक को डेंजरस बना देता था, क्योंकि ABS ना होने की वजह से ये बाइक स्किड कर जाती थी, क्योंकि इसमें पावर इतनी थी कि ये बहुत ज़्यादा ब्रूटल थी, बहुत तेज़ स्पीड पकड़ती थी और जिसके बाद अच्छे से ब्रेकिंग ना होने की वजह से ये स्किड हो जाती थी और ये डेंजरस बन जाती थी, जिसकी वजह से इसको कई कंट्रीज़ में बैन कर दिया गया था और जिसके बाद KTM को इसे डिसकंटिन्यू करना पड़ा था, और ये था इसके पीछे का रीज़न। तो KTM RC8 के बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और जो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, और ऐसे ही धमाकेदार वीडियोज़ के लिए फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही और सारे वीडियोज़ आपको मिलने वाले हैं, और शॉर्ट्स के लिए भी सब्सक्राइब कर लो।